ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार इश्क मोहब्बत और प्यार, यूँ तो इश्क करने वालों को अक्सर हमारी इसी दुनिया में बागी माना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इश्क में बागी होने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन इश्क में बगावत करने वालों की तादाद कभी भी कम नहीं हुई। इश्क हर दौर में बागी बन जाता है और इश्क करने वाले हवा का रुख मोड़ने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन ये इश्क कैसा होना चाहिए? क्या इश्क औरत और मर्द वाला इश्क है या फिर इस इश्क की कोई अलग पहचान भी है? ये ज़रूरी नहीं कि इश्क दो लोगों के बीच में ही हो। इश्क तो एक इबादत का नाम है जो खुदा और बंदे में हो सकता है, ईश्वर और भक्त में हो सकता है। दो दोस्तों की यारी भी इश्क ही तो है, लेकिन आज के मौजूदा हालात में इश्क बिल्कुल बदनाम हो चुका है। हर कोई खुद को लैला और मजनू साबित करने पर तुल जाता है, लेकिन लैला और मजनू का दर्जा सड़क छाप टपोरियों के इश्क से कहीं ज़्यादा बुलंद है। इश्क में पागल होना इतना आसान नहीं है। अगर लैला को शब्दों में बयां किया जाए तो उसमें भी ला इला नज़र आएगा, और ला इला का मायना आपने आप में ही बहुत पाकिज़ा, यानी वहाँ ईश्वर के प्रति एक पवित्र श्रद्धा और भक्ति नज़र आती है। लेकिन मौजूदा हालात में नई पीढ़ी ने न तो कोई इश्क किया है और ना ही मोहब्बत। जुमा जुमा चार दिन फ़ोन पर बात कर लेना इश्क नहीं होता, दामाद के साथ फरार हो जाना इश्क नहीं होता, बहन के पति के साथ नज़रें चार करना कोई इश्क नहीं होता, चार चार बच्चों की अम्मा नए नवेले प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, क्या इसे इश्क माना जाएगा? आधा दर्जन बच्चों का बाप भी मौका मिलते ही किसी प्रेमिका के साथ फरार हो जाता है। किसी के साथ कुछ देर की बातचीत को इश्क नहीं कहा जा सकता। अब तो ज़माना इतना दूषित हो चुका है कि महिला मित्र का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता और ना ही पुरुष मित्र का मतलब बॉयफ्रेंड, बल्कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मतलब प्रेमी और प्रेमिका हो चुका है। चार दिन पार्क में घूम लेने से, रेलवे स्टेशन पर टहल लेने से, सिनेमा घर में पिक्चर देख लेने से, और तो और बाइक पर सैर कर लेने से इश्क नहीं हो जाता, क्या इसे इश्क कहा जाएगा? अगर प्रेमिका ने प्रेमी से शादी के लिए कह दिया तो प्रेमी भाग जाता है। आखिर ये कैसा इश्क है जिसने तमाम बंदिशों को पार करने के बाद भी शादी की दहलीज तक नहीं पहुंचा? टीवी और अखबारों में रोज़ाना ऐसी खबरों की भरमार होती है जिसमें बताया जाता है कि प्रेमी के साथ प्रेमिका घर से भाग गई, लेकिन शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हो गया। कभी लड़की भाग कर थाने पहुंच जाती है तो कभी प्रेमिका अपने ही प्रेमी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रेमी ने शादी कर ली होती तो क्या बलात्कार की घटना संस्कार में मानी जाती है? सच तो यही है कि लोगों ने अपनी अय्याशी को प्यार और इश्क का नाम देना शुरू कर दिया है। माँ बाप बहुत ही प्यार और दुलार से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके लिए एक एक रुपया जोड़कर हर कमी को पूरा करते हैं, खुद आधा पेट खाते हैं ताकि उनकी औलाद का पेट भर सके। एक माँ अपने बच्चे को कितनी मुश्किलों से पालती है, खुद गीले बिस्तर पर सोती है लेकिन अपनी औलाद को छाती से लगाकर रखती है ताकि उसकी औलाद को ठंड ना लगे, लेकिन वही औलाद बड़ी होकर प्रेमी और प्रेमिका बनने के लिए बेकरार होती है। क्या यही सब दिन देखने के लिए माँ बाप ने इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था? शादी तो उस भरोसे का नाम है जिसके बाद ही इश्क करने वाले पति पत्नी और मियाँ बीवी बनते हैं, लेकिन ये कैसा इश्क है जो शादी की दहलीज तक नहीं पहुँचता? ये कैसा इश्क है जो शादी ही नहीं करना चाहता है, बल्कि शादी उस रिश्तेदारी का नाम है जिसमें दो परिवारों का रिश्ता होता है, लेकिन घर से भाग जाना और प्यार में धोखे को क्या नाम दिया जाए? इश्कबाजी वाला रिश्ता दो परिवार को एक करने के बजाय अलग कर देता है, दो घरों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। अगर मामला दो धर्मों से जुड़ा होता है तो लड़की के घर वाले बेटी को लव जिहाद का शिकार बताते हैं, और लड़की के घर वाले यही कहते हैं कि हमारे बेटे को काफिर लड़की ने अपने जाल में फंसा कर काफिर बना दिया। लेकिन जनाब, लोगों ने अगर अपनी औलाद की हरकतों पर सही से नज़र रखी होती ये लव जिहाद और ईमान खराब होने की नौबत क्यों आती? इस तरह की शादियां भी बहुत कम ही टिकती हैं जिसमें माँ बाप की रजामंदी नहीं होती है, कुछ साल के बाद शादी टूट जाती है। आज भी भारत में अरेंज मैरिज को ज़्यादा कामयाब माना जाता है। कोई भी लव मैरिज तब तक अरेंज मैरिज नहीं कहलाती जब तक माँ बाप उस शादी से खुश ना हो, वरना प्यार इश्क मोहब्बत और धोखा आज के ज़माने का फैशन बन चुका है।
आखिर कैसा इश्क है जो शादी से कोसों दूर भाग रहा है, आखिर ये कैसा प्यार है जो समाज में दरार पैदा कर रहा है, आखिर ये कैसी मोहब्बत है जो घर बसाने के सवाल पर नज़रें चुरा रही है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ये प्यार, ये इश्क और ये मोहब्बत, आज के ज़माने में हर इंसान माँ के पेट से इश्क और मोहब्बत की दास्तान सीख कर पैदा हो रहा है। उसे बताना नहीं पड़ता कि इश्क, मोहब्बत और प्यार किस चिड़िया का नाम है, लेकिन सच्चा प्रेमी तो वही है जो अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाने की औकात रखता है। सच्ची मोहब्बत तो बस वही है जिसने अपने प्रेमी को पति बनाया है, वरना प्यार, इश्क, मोहब्बत केवल अय्याशी और जीनाकारी है। अब दिल्ली के प्रेमी की घटना ही देख लीजिए। लड़का और लड़की समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे के इश्क में पागल हो जाते हैं, घर छोड़कर दिल्ली में अकेले रहने लगते हैं। लेकिन लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद जब लड़की शादी के लिए कहती है तो दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि लड़के ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया और उसकी लाश के दर्जनों टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। लड़के का नाम आफताब बताया जा रहा है और लड़की का नाम श्रद्धा, मतलब कि लड़की और लड़के ने गैर मजहब होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार किया और बिना शादी ही एक साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इश्क का भूत सिर से उतर गया तब मामला मौत की दहलीज पर पहुंच गया। लानत हो ऐसे शख्स पर जिसने अपनी महबूबा का कत्ल कर दिया। जब शादी नहीं करना था तो घर से क्यों भागे थे, लेकिन ये इश्क तो पहले ही नापाक था, वरना लिव इन में रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मीडिया रिपोर्ट्स के में दावा किया जा रहा है कि झगड़े की वजह शादी है। कितने शर्म की बात है, एक मुस्लिम नाम वाले प्रेमी से एक हिंदू नाम वाली लड़की शादी करने के लिए बोल रही है और लड़का शादी से भाग रहा है। अगर इस इश्क में ज़रा भी सच्चाई होती तो लड़का निकाह कर लेता, कोर्ट मैरिज कर लेता या फिर मंदिर में फेरे लगाकर अपनी प्रेमिका का मान सम्मान बचा लेता। लेकिन ये मामला सिर्फ श्रद्धा और आफताब का नहीं है, ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जब प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया या फिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े कर दिए। इसी साल जुलाई में खबर आती है कि एक शादीशुदा मुस्लिम महिला को अपने से छोटे उम्र के शख्स से प्यार हो गया और प्रेमी के साथ भाग निकली। मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा, लेकिन पंचायत के बाद प्रेमी और प्रेमिका पति पत्नी की तरह किराए के मकान में अलग अलग रहने लगे। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया और फिर गुस्से में प्रेमी पति ने कुल्हाड़ी उठाई और प्रेमिका पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की घटनाओं को मीडिया के जरिए हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हिंदू लड़के को हिंदू धर्म ने कत्ल करना सिखाया है या फिर मुस्लिम लड़के को कत्ल करने के तरीका इस्लाम ने सिखाया है? कातिल तो कातिल ही होता है। मीडिया इस तरह की घटनाओं को लव जिहाद बताकर एजेंडा चला रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार तो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते। सोचते हैं कि उनकी औलाद बहुत नाम करेगी, लेकिन किसे पता है कि उनकी औलाद बहुत बदनाम कराएगी। उनकी औलाद आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना चाहती, बल्कि दूल्हा और दुल्हन बनना चाहती है। अब समाज में इश्क के नाम पर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि बच्चों के पैदा होते ही उनकी शादी कर देने की ज़रूरत लगने लगी है, वरना बड़े होकर उनकी अय्याशी एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने के लिए बेकरार रहती है। माँ बाप तुरंत बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन नाम का एक खिलौना थाम देते हैं, चलने के लिए बाइक दे देते हैं, भले ही फ़ोन में रिचार्ज करने की औकात ना हो, भले ही बाइक में पेट्रोल भराने की हैसियत लाड साहब में ना हो, लेकिन माँ बाप की इसी हरकत ने बच्चों को आवारा बना दिया। बच्चों की निगरानी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी है। बच्चे स्कूल में जाकर क्या करते हैं इसकी जानकारी माँ बाप को नहीं होती। घर से बाहर उनका क्या किरदार कैसा है इस बात की खबर उनके माँ बाप को नहीं होती। हद से ज़्यादा बच्चों पर भरोसा करना भी बहुत बड़ा धोखा है। ज़रूरत है तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने की। बहरहाल चलते चलते आखिर में नवाज़ देवबंदी ने भी क्या खूब फरमाया है, वो बेवफा हैं उसे बेवफा कहूँ कैसे, वो बेवफा हैं उसे बेवफा कहूँ कैसे, बुरा ज़रूर है लेकिन बुरा कहूँ कैसे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर
अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।